अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिडवे कमर्शियल के हम लोग स्ट्रीट टूर पे आ गए और आप लोगों को मिडवे कमर्शियल बैरियर टाउन कराची में जो हेड ऑफिस के बिल्कुल करीब है, ए और बी साइड इसकी कहलाती है मिडवे कमर्शियल की, ये जगह मैं आपको विज़िट करवाने के लिए आया हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि मिडवे कमर्शियल में जो शॉप्स या शोरूम्स या ऑफिस आप लोग यहाँ पर जो परचेज़ करें, आपके लिए दो तीन मशवरे हैं कि सबसे पहले तो ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ परचेज़ करें जो 100% रेडी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है और जिसमें किसी किस्म का कोई अब हार्म नहीं है या कोई डिले नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स डिले भी हो चुकी हैं और एक बड़ी तादाद में हमारे पास ऐसे ऑफिस मौजूद हैं या ऐसे शोरूम्स हैं जिनकी पास NOC हर तरह की मौजूद है। और बैरियर टाउन जब NOC किसी भी प्रॉपर्टी की दे देता है तो उसका ये मतलब है कि यानी कंप्लीशन हो चुकी है हर तरह के लवाजमात और मुतालबात जो बैरियर टाउन की तरफ से तकाजे किए गए थे उनको पूरा कर दिया गया। और ये बैरियर टाउन का हेड ऑफिस सामने नज़र आ रहा है और हेड ऑफिस के बिल्कुल बराबर में यहाँ मिडवे कमर्शियल ए है, फिर मिडवे कमर्शियल बी साइड है और मैं अभी आपको मिडवे कमर्शियल बी साइड का टूर करवाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे शोरूम्स या ऑफिसेज़ की क्या कीमतें हैं और कौन से ऑफिसेज़ या शोरूम्स आपको ख़रीदने चाहिए, फिर कमर्शियल प्लॉट्स की आज प्राइस कितनी चल रही है और आज से पहले इसके पीक प्राइस कितनी चली गई थी, इन सारी चीज़ों पर नाज़रीन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि देखें, मिडवे कमर्शियल आपको हाईली पॉपुलेटेड नज़र आएगा, ऑक्यूपाइड है, डिफरेंट बैंक्स इस लोकेशन पर जो है वो मौजूद हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स और फिर फूड के लिए भी यहाँ पे शॉप्स हैं, गारमेंट्स की भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेंटिस्ट या डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट क्लिनिक्स भी यहाँ बनाए हुए हैं। तो ये एरिया जो है वो हाईली मैच्योर एरिया कंसीडर होता है बैरियर टाउन में, अगर आप लोग इसको कमर्शियल हब के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये मशवरा दूंगा कि सिर्फ वही शॉप्स या शोरूम्स आप लोग ख़रीदिए जिसमें आप लोगों को पोजेशन हैंडओवर किया जा चुका है और NOCs हर तरह की आपको बैरियर टाउन की तरफ से मौजूद हैं और जिस प्रॉपर्टी की बेबी फाइल मौजूद है, यानी बैरियर टाउन के हेड ऑफिस से जिसकी ट्रांसफ़र मुमकिन हो। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नामुकम्मल हैं या जिनके पास अभी बेबी फाइल्स नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर्टी आप ख़रीदेंगे तो फिर ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको जाना होगा और फिर फुल एंड फाइनल यानी मुकम्मल उसमें फिर आप लोग रकम की अदायगी ना कीजिए, कुछ सेफ साइड के लिए आपको अपनी यानी अमाउंट जो है उसको रोकना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि अभी आपने जो प्रॉपर्टी दी है इस पर तो सिर्फ बिल्डर ट्रांसफ़र है, इसमें अभी बैरियर टाउन की ट्रांसफ़र यानी बैरियर टाउन के हेड ऑफिस से हमें वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी। तो जो लोग ये चाहते हैं कि बैरियर टाउन से ट्रांसफ़र लेनी है आप लोगों ने, तो उनके लिए मैं बेहतरीन आपको मशवरा ये दूँगा कि आप लोग अभी अपनी इस प्रॉपर्टी को यानी ऐसी ही प्रॉपर्टी ख़रीदिए जो बैरियर टाउन से ट्रांसफ़रेबल है और इसके मुकाबले में अगर इंस्टॉलमेंट प्लान लेना फिर तो खैर बीसी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, आप उस पर कर सकते हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर का शोरूम आज काफ़ी कम बजट में आए हुए हैं, यानी यहाँ पे अगर एक मुकम्मल प्लॉट के ऊपर तकरीबन कोई 900 स्क्वायर फिट से लेके 1000 स्क्वायर फिट तक का ये शोरूम बनता है और आज तकरीबन कोई 40,000 पर स्क्वायर फिट या 35,000 पर स्क्वायर फिट तक के यहाँ पर शोरूम्स हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि 3 करोड़ से 4 करोड़ तक की प्राइस रेंज में आपको मुकम्मल शोरूम इस यानी लोकेशन पे मिल जाता है। और अगर ये एक मतलब 500 स्क्वायर फिट या 600 स्क्वायर फिट की शॉप हो तो ये कहा जा सकता है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग में मल्टीपल यानी ऑफिसेज बन जाते हैं, दो ऑफिस बन जाते हैं, किसी में बेसमेंट होती है, किसी के साथ बेसमेंट शामिल नहीं है, तो ऐसी लोकेशन पर अगर आप लोग लेंगे तो वहाँ इसमें फिर वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी अगर डबल शॉप होगी, अगर सिंगल शॉप है तो उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ या 1.5 करोड़ तक की कीमत में भी आपको सिंगल शॉप जो है वो यहाँ मिल जाएगी। रेंटल्स अभी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक की प्राइस रेंज में
आप लोग यहाँ रेंटल्स मिल जाएंगे, और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर से लेके फिफ्थ फ्लोर तक या सिक्स फ्लोर तक जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, यहाँ पे पर स्क्वेयर फिट रेट तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वेयर फिट नॉर्मल चल रहा है, और इससे कम कीमतें जो आ रही हैं ऑफिस की, वो फिर कोई डेस्परेट, कोई मजबूर या कोई ऐसा कस्टमर मार्केट में आता है सेल के लिए, जो जैसे हम रूटीन की प्राइस नहीं कंसीडर कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइस रूटीन से ज़रा हटके और ये यानी रेगुलर प्राइस नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग फैसला कीजिए, देखिए चीज़ें, और अगर आप लोग यहाँ पे ऑफिस लेना चाहते हैं तो ऑफिस के ऊपर रेंट्स भी तकरीबन 20-25 हज़ार 40 हज़ार रेंट पे आप लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। बहरिया टाउन की तरफ से यहाँ बिजली पानी की सहूलियात मौजूद हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह ये लेते हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम, प्रॉपर पार्किंग का अच्छा निज़ाम है, डेडिकेटेड पार्किंग यहाँ मिल रही है, और ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दस्तियाब हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आखिर में ये बताता चलूँ, यहाँ कमर्शियल प्लॉट की कीमतें तकरीबन 3.5 करोड़ से ऑनवर्ड आज 5.5 करोड़ तक की प्राइस में आप लोगों को यहाँ कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है, जिसका साइज़ तकरीबन 133 गज़, 125 गज़ है, और उसके ऊपर आप इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग की अप्रूवल ले सकते हैं, यानी बेसमेंट, ग्राउंड और फिर 5 स्टोरी तक की बिल्डिंग यहाँ बन जाएगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।